द कश्मीर फाइल्स के निर्माता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री फिल्म से लेकर खुद तक बहुत ज्यादा विवादों में बने हुए हैं। कभी वो भोपाल को लेकर कभी कुछ कह देते हैं या फिर JNU को लेकर। अब मामला आया है इस फिल्म के समर्थक और विरोधी को लेकर। क्या यह पूरा मामला, आइए जानते हैं। द कश्मीर फाइल्स भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन चुकी है। फिल्म ने 2 हफ्तों में 200 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास बना दिया है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर 2 तरह के व्यूज मिल रहे हैं। एक जो 32 साल के दर्द पर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे, दूसरा जो फिल्म की सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। आलोचना करने वाले लोगों का कहना है कि यह फिल्म भड़काने वाली है और मुस्लिमों के प्रति नफरत को बढ़ावा दे रही है। इसी मुद्दे पर अब विवेक रंजन अग्निहोत्री और उनकी पत्नी और अनुपम खेर ने खुलकर बात की है। क्या कहा है, आइए मैं आपको बताता हूँ। द कश्मीर फाइल्स को लेकर हाल ही में विवेक अग्निहोत्री पल्लवी जोशी ने कहा कि उन्होंने 32 साल के कड़वे सच को दिखाने की कोशिश की है। विवेक ने कहा कि उन्होंने एक ईमानदार फिल्म बनाई है जो इतिहास की कड़वी सच्चाई को जनता तक पहुंचा रही है। एक इंग्लिश अखबार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यह फिल्म आतंकवाद का खुलकर विरोध करती है। फिल्म को लेकर लोगों के बीच मतभेद बढ़ाने और ध्रुवीकरण करने के आरोप पर फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र के लिए बड़ी समाज सेवा है, क्योंकि आप बुरे और अच्छे लोगों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यहां मैं ध्रुवीकरण शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि इस फिल्म के जरिए इंसानियत, मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले और आतंकवाद का व्यवसाय करने वाले लोगों में अंतर किया है। विवेक से जब सवाल किया गया कि आखिर इस फिल्म को कितने लोग देख चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म को अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। जो लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने कहा, यह फिल्म राम और रावण के बीच अंतर करती है। साथ में उन्होंने कहा कि मैं तो इंसानियत का सपोर्ट करने वाले लोगों से कहूंगा कि इन आतंकवादियों को हराएं और इन्हें तबाह कर दें। वहीं विवेक रंजन अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी, जो इस फिल्म में मैनन एक टीचर है, उनका रोल निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से जिन लोगों को कश्मीर घाटी से बाहर किया गया, वह धार्मिक आधार पर था। यह एक धार्मिक लड़ाई थी। जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं तो इसे एक खास धर्म से जोड़ दिया जाता है। हालांकि इस फिल्म में हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन चंद आतंकवादियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने घाटी को बर्बाद किया, उसकी संस्कृति, विरासत और परंपरा को तहस नहस और खत्म कर दिया। यह फिल्म किसी धर्म नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। फिल्म की सफलता पर पल्लवी जोशी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिल्म को केवल बिजनेस करने के लिए नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद लोग हमारे पास आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, रो रहे हैं और हमें अन्य फिल्मों के लिए आइडियाज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग फिल्म से खुद को जोड़ पा रहे हैं, इससे बड़ी संतुष्टि मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो ये था पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री का खुद का एक व्यू, जिसमें उन्होंने बताया कि ये फिल्म बनाने का मकसद क्या था और जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं उसके लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे बिग हेडलाइंस। We'll be right back.